ब्यूटेनॉन का आईपीएससी नाम लिखना सीखेंगे। हमारे आईपीएससी नाम लिखने के दोस्तों खूब सारे वीडियो आए हुए हैं, तो उन्हें आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देखें। मैं हूं सुरेंद्र खिलेरी। चलिए हम अपना इसका शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, यहां पर आपको पहचानना है इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। या आप इसको ऐसे समझिए, इसको मैं टुकड़ों में तोड़ दूँ तो ये आपका ऐसे टुकड़ों में टूट जाएगा। ब्यूट प्लस एन प्लस आपका ऑन। अब देखिए यहाँ पे इस ब्यूट शब्द का क्या मतलब है। ब्यूट शब्द का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे फोर है, ठीक है। फोर कार्बन के लिए हम क्या शब्द यूज़ करते हैं, ब्यूट शब्द यूज़ करते हैं। ये आपको लिस्ट याद होनी चाहिए। तो वन टू थ्री फोर। ए एन किसके लिए है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए। ओ एन ई किसके लिए है, देखो आपके जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे कीटोन, कीटोन का सफिक्स हम क्या यूज़ करते हैं, ओ एन ई यूज़ करते हैं, यानी ऑन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑन शब्द किसके लिए आया है दोस्तों, कीटोन के लिए आया है। कीटोन यानी आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, यानी यहाँ पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है। चाहे यहाँ जुड़ा हुआ हो सकता है, यहाँ जुड़ा हो सकता है, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। अब देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है। एक बना हुआ है, दो तीन चार कंप्लीट हो गए, वन टू थ्री फोर इसके कंप्लीट है, वन टू, तो टू हाइड्रोजन आ जाएगी, इसके साथ आपके थ्री हाइड्रोजन आ जाएगी। देखो ये आपका बन गया इसका कंप्लीट फॉर्मूला, ओके। अब हम अपना क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं। देखिए नंबरिंग करेंगे नाम लिखने के लिए, वन टू थ्री फोर। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, अपना फंक्शनल ग्रुप को देखा, उसके बाद हम अपना पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका पेरेंट चेन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, फोर। हमने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, अपना जितने कार्बन है उसको लिखते हैं, कितना फोर कार्बन है। तो ब्यूट कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम क्या सफिक्स यूज़ करते हैं, ए एन ई। लेकिन जब ऑन आएगा साथ में तो इसका ई गायब हो जाएगा। और कीटोन कहाँ पे जुड़ा हुआ, देखिए दो नंबर पे जुड़ा हुआ है। कीटोन का सफिक्स हम क्या यूज़ करते हैं, ओ एन ई। नाम क्या बन गया, ब्यूटेन टू ऑन। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि डबल बॉन्ड जो ओ है ये यहाँ ना होकर यहाँ होता, तो सेम ये बात ही है, दो नंबर पे रहता, क्योंकि फिर हम नंबरिंग दोस्तों इस साइड से कर देते, वन टू यहाँ होता तो ये फिर भी कौन से नंबर पे आता, टू नंबर पे आता। नंबरिंग दोस्तों हमें उस साइड से करनी है जिससे कि इसको कम से कम नंबर मिले। जैसे मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूँ अभी इस समय, वन टू थ्री, इसको कौन सा नंबर मिला दोस्तों, इस साइड के लिए थ्री, जबकि इस नंबरिंग के लिए इसको कौन सा नंबर मिल रहा है, टू मिल रहा है। तो हम किसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई, हमने अपना इस डायरेक्शन को लिया। तो इस तरह से दोस्तों आपका ब्यूटेनॉन का ये आईपीएससी नाम हो जाता है। अन्य वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। धन्यवाद।